subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. मैं हूं आपका मेजबान मुख्तार अहमद भट्ट। आजकल सारी दुनिया में कोरोना के हवाले से काफ़ी शोर हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी भी आती जा रही है, इस लिहाज से कि ये जनवरी में जो सिलसिला शुरू हुआ और अभी मई का महीना आ गया है तो उसमें काफ़ी इकोनॉमिकली बहुत मुल्कों को नुकसान पहुंचा है और तमाम चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन था, तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में भी इसका असर होना था और वो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन किया और हाल ही में 2 दिन पहले इसको लिफ्ट किया है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 43,57,357 लोग अफेक्टेड हैं दुनिया के अंदर और 2,93,134 जो हैं वो डेथ हो चुकी हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान में 35,101 और 753 जो हैं वो डेथ हो चुकी हैं। असल में बाहर के मुल्कों में और हमारे मुल्क में लॉकडाउन का ये फ़र्क है कि वहाँ पे ग्रेजुअली जो कैजुअल्टीज़ हैं और जो अफेक्टेड लोग हैं वो उनका ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा था, जबकि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है और हमने लॉकडाउन को काफ़ी हद तक नरम कर दिया। जो मार्केटों में, जो बाज़ारों में आप चहल पहल देख रहे हैं वो वाकई काबिले दीद है, अल्लाह से दुआई की जा सकती है। सारी दुनिया की मेशा जो है वो तबाह हाल हुई है, पाकिस्तान का भी यही सूरत हाल था। वज़ीर आज़म साहब जो थे वो लॉकडाउन के हक में नहीं थे, वो उनका ये सोच थी कि जो गरीब गुरबा हैं, डेली वेजर हैं, उनका बड़ा नुकसान होगा और क्योंकि सनतें सारी बंद हैं, काम नहीं हो रहा है, तो इस हवाले से उन्होंने कंपनसेशन पैकेजेस भी दिए, 12,000 रुपये गरीब लोगों को बांटे और एक टाइगर फोर्स भी कायम की जो कि घर घर जाके पता करेगी कि किसको राशन मिला है, किसको पैसे नहीं मिले हैं, वो डाटा मरतब करके वो गवर्नमेंट को देगी या गवर्नमेंट फिर जो है इन लोगों को जो है वो देंगे। इसके हवाले से हम साथ साथ और दूसरे सवाल भी आते रहेंगे, हम नहीं चाहते कि मैं अब ज़्यादा वक्त इसमें लूँ। तो आज हमने दावत दी है जनाब इम्तियाज़ अहमद फरहान साहब को, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, इतने पुराने सहाफ़ी हैं कि आजकल प्रेस क्लब को संभाला हुआ है, उसके सदर हैं और इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि आजकल के जो मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अरूज पर हैं और टाइम ज़रा निकालना कम होता है, तो बड़ी मेहरबानी इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। वेलकम इम्तियाज फरहान साहब, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह का करम, जबरदस्त। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो हमारा ये जो लॉकडाउन का सिलसिला था इसमें जो नरमी आई है और क्या ये लॉकडाउन जो है ये आप क्या समझते हैं कि इससे जो तबाही मची है पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में, क्या ये जो अभी हमने लॉकडाउन पर तदरीज कम किया है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, या जो गवर्नमेंट ने ख़ुद भी कहा है कि अगर हालात कंट्रोल में नहीं रहे और SOPs पर अमल नहीं किया तो वो फिर लॉकडाउन सख्ती शुरू कर देंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, ये बहुत अच्छी देखें काविशें आपकी मेरी या जो इस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो आबाद पाकिस्तानी है वो सुनना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाज़ के वहाँ से क्या बात है, चाहे उसके अंदर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो जज वो करते हैं। तो ये आप हो गए और जो दूसरे दोस्त हो गए जो स्काइप पे इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम समेत पूरी दुनिया को इस कोरोना के मुजी वायरस से बचाए और इसके अलावा जितने भी मुजी अमराज हैं अल्लाह ताला उनसे बचाए। और जैसा कि अल्लाह ताला का खुद कहना है कि ये मुश्किल के बाद आसानी होती है, राहत होती है और इंशाल्लाह इसमें हम आगे जाएंगे और राहत की तरफ ही जाएंगे। और दूसरी बात जो आपने बच्चा एक बात कही ना कि लॉकडाउन, अब देखिए लॉकडाउन भी एक क्वेश्चन था, मैं और आप ये सवाल करते थे हर तरफ, ये बात किया करते थे
अब जब लॉकडाउन खुला है तो हम और ज्यादा सवाल कर रहे हैं कि आया, मैं समझता हूँ कि अब मजमूई जिम्मेदारी, जैसे कि खुद हुकूमतों ने कहा, वजीर आजम भी बार बार कह रहे हैं और ये अब वज़ा आला की जानिब से भी ये बात आ रही है कि अब सारी जिम्मेदारी अवाम के ऊपर आ गई है। मैं बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को भी इसका जिम्मेदार नहीं समझता, ये अवाम के ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आप और मैं अपने ऊपर कोई चीज अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की, अपने वालदेन की हेल्थ के लिए लागू नहीं करेंगे, हम पे कौन लागू करेगा? कोई भी नहीं करेगा। और ये हम जो रेफरेंसेस देते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वहां पर ऐसे कहीं भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ हमारे सोशल मीडिया के बाज़ लोग या जो एक फिफ्थ जनरेशन वार, जो हाइब्रिड वॉर की हम बात करते हैं, तो कुछ फिक्शन हमारे मीडिया के ऊपर डाल दिया जाते हैं। मीडिया से मतलब रियर मीडिया नहीं, सोशल मीडिया एक्टिविटी पर डाल दिए जाते हैं। फला जगह लोग बाहर निकल आए, फला जगह लोग निकल आए। कई जगह मैंने देखी कि वेस्ट जर्मनी हो या दूसरे मालिक हो, सेलिब्रेशन वाली जो वीडियोज थी वो डाल दी गई कि लोगों ने लॉकडाउन तोड़ दिया और हुकूमत के खिलाफ चंद जगह पर हुए। 1% अगर कहीं कोई डेमो हुआ है तो पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, बहुत सारे मालिक में, इटली तक में हुआ। हमें असल में इस वक्त जो सूरत हाल बच्चा देखने में आ रही है, जिसको आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं भी, हम भी कर रहे हैं, मैं तो एक दिन मैंने छुट्टी नहीं की जब से पैंडेमिक आया है, ऑफिस हम बराबर जा रहे हैं। जो जिसका काम है ना उसको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा किसी ने। मीडिया आप और मैं कितना अच्छा कर सकते हैं, मैं और आप में बुराई खामियों के साथ जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम बदतरीन खामी के साथ भी जो मीडिया का काम करेंगे, जो एक्सपर्ट खुद को कहलाता है हुकूमत के किसी भी दर्जे पे बैठा हो, वो नहीं कर सकता। ये तेज उदासी बात है। डॉक्टर जो कर सकते हैं, मैं और आप नहीं कर सकते। बात ये है कि हमारे फरासा, मैं यहाँ जरा रोकूंगा। आपने मीडिया की बात की, जो मीडिया काम कर सकता है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर मीडिया सिलेक्टिव हो जाए और वो मतलब यह है कि गवर्नमेंट के हर काम में कीड़े निकालना शुरू कर दे, तो फिर वो बात बनती नहीं है। इसमें जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स होती हैं वो भी ज़ाया हो जाती हैं। आपने देखा होगा खुद भी सोशल मीडिया के ऊपर, अगर किसी को राशन नहीं मिला तो वो तो दिखा देते हैं, लेकिन जिसको राशन मिल रहा है, 50 लोगों को मिल रहा है, उसकी वीडियो जो है वो वायरल नहीं होगी। मतलब ये है कि हम लोगों ने सिलेक्टिव रखा है मीडिया को। तो मीडिया जो है, मैं मीडिया पे तो आना था बाद में, लेकिन आपने बीच में जिक्र कर दिया तो अच्छा किया। बहरहाल तो मीडिया भी तो अपना रोल सही प्ले नहीं कर रहा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपसे इस बारे में बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, जो उनकी हम नियत पे शक नहीं कर सकते, सबकी नियत सही है, तरीकेकार पे हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज नियतें सबकी सही है कि जी किस तरह से कौम को, मुल्क को तहफ्फुज के साथ आगे लेके जाए। बिल्कुल मीडिया में ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो -1% होते हैं, 100, 200, 50, 60 लोग, उनको लेकर आते हैं। दूसरा, बट साहब, मैं समझता हूँ कि अब हमें मुस्तहिक की भी एक डेफिनेशन डिक्लेयर करनी पड़ेगी, इस खासतौर पर पेंडेमिक के बाद आई है। जो कमर्शल लोग हैं, जो पेशावर टाइप के लोग हैं, उन्होंने ही मुस्तहिक अफराद का हक मारा। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि आपने भी 10 जगह मदद की होगी जाके, जिनको आप जानते हैं कि रियल ये हकदार है। हम में सब, हर एक ने जाके कहीं ना कहीं की है, तो मुस्तहिक वाला एक निकालना पड़ेगा। और मीडिया में ये बिल्कुल फैक्शन रहा है कि 2-3 लोगों को दिखा दिया या 10 लोगों को दिखा दिया, जो 10,000 लोगों को बेनिफिट मिला है उसको नहीं दिखाया। आपने बिल्कुल जिया साहब सही कहा, और मेरा ख्याल है यही सोच कर वजीर आजम साहब ने जो है वो टाइगर फोर्स जो है वो खड़ी की है, ताकि वो घर घर जा के लोगों से पता करे कि भाई आप लोगों को राशन मिला है कि नहीं मिला, आप लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत आपको जो पैसे मिलने थे वो मिले हैं कि नहीं मिले। जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले इम्तियाज साहब से हमने कहा था कि हम सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ ख़त्म किया है। तो आपने देखा होगा कि इस वक्त मरकज़ और सिंध के अंदर बड़ी सख्त महार अदाई जारी है, और मेरे ख्याल में असूली तौर पर ये नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि सैनिटी शुड प्रिवेल, लेकिन अब बदकिस्मती से इसमें कमी आने के बजाय देखा ये जा रहा है कि गोलाबारी में इजाफा हो रहा है। इधर से मिनिस्टर कुछ बयान देते हैं, उधर से फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है, वो कुछ और बयान देते हैं। क्या वजह है कि ये, इससे देखें मैं बताऊं, ना तो पीटीआई को फ़ायदा पहुंच रहा है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंच रहा है। इससे मुल्क को नुकसान पहुंचने का तो अंदेशा है,
लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से ढील से ढीली डाली जो सियासत हो रही है इसको हम दुश्मनी के साथ लेकर चलते रहेंगे तो मामला जो है वो फिर हद से ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। आप क्या देखते हैं कि क्या वजह है कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है मरकज़ और सूबे सिंध के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे क्यों नहीं हो सके? कोई तो वजह होगी इसके अंदर जी। देखिए उसकी जो हम बुनियादी वजह देखते हैं कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ सिंध के अंदर पीटीआई की हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में भी एक कोलोबरेशन के साथ हुकूमत मौजूद है, अपर हैंड उसका है पीटीआई का। सिंध में वाहिद है पीपल्स पार्टी के जिसके साथ कोई नेक्सस नहीं बन सका और कन्फर्टेशन रही पहले बिफोर भी और हुकूमत बनने के बाद भी। एक तो ये वजह है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अब उसको पॉलिटिकली टेकल नहीं कर पाई। हमने जो ऑब्जर्व किया है यहाँ पर मिसाल के तौर पे कल दो दिन से शाह महमूद कुरैशी साहब गरज बरस रहे हैं, वो इसलिए गरज बरस रहे हैं कि उनके सिंध में मफादात है, वो थर्ड पार कर में और दूसरी जगहों पर नशीस्त है उनकी, वो कामयाब नहीं हो सके। और सिंध में जो वाउडा है, फैसल वाउडा है, अली जैदी है, दोस्त हैं हमारे, छोटे भाइयों की तरह है मेरे बिल्कुल, लेकिन वो आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर सियासी तौर पर एक गुफ्तगु शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी से आप पॉलिटिकली मुकाबला कर सकते हैं नहीं कर। खुर्रम शेर जमान दो रोज से अस्पतालों का विजिट कर रहे हैं, लोगों के साथ जाके किट, कहीं किट तकसीम करते हैं, कहीं किट्स देते हैं। भाई ये काम या तो पीडीएमए के जरिए करवाते या वहां पर जो एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आप एक कमेटी बना देते कि जनाब ये हॉस्पिटल्स को किट्स फराहम करेगी, आप उसके बाद वहां पे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं, उसको जाहिर के काउंटर किया जाता है जारी चीजें सारा। और देखिए ये भी एक रिकॉर्ड की बात है भट्ट साहब कि सिंध वाहिद सूबा है कि जहां से कराची से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी कामयाब हुए, वजीर आजम इमरान खान भी कामयाब हुए, शाबाज शरीफ तो यहाँ रह गए, लेकिन ये वाहिद सिंध सूबा है कि जहां से तमाम वजीर आजम के उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 8 सियासी जमातों के सरबराह ने यहाँ पे हिस्सा लिया, लेकिन अभी तक ना सदर ने यहाँ पर कोई विजिट किया है सरकारी, ना प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है, दो दफा ऐलान करके कैंसिल हो गया। आरिफ अलवी साहब का तय हुआ कि जनाब वो एक मीटिंग होगी सिंध गवर्नमेंट के साथ, उसमें मुख्तलिफ चीजें जो है तय की जाएंगी, सडनली रात को हमें मैसेजेस आए कि जनाब वो कैंसिल कर दी गई। सिंध के किसी जर्नलिस्ट के साथ ना प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है, ना प्रेसिडेंट साहब, या 3 दिन कराची में तशरीफ रखा रहे वो, और उन्होंने कई एक मुलाकातें की, पॉलिटिकल मुलाकातें की, इवन ये कि उनके जहाज में जब वो वापस जा रहे थे अमीनुल हक भी हमारी इतला के मुताबिक उन्हीं के जहाज में वापस गए, कई वफाकी वजह उनके जहाज में वापस गए चूंकि वो बंद था, लेकिन कराची में उन्होंने मेरी इतला के मुताबिक, मैं भी चूंकि आप किसी एक यहाँ के कोई शख्सियत से मुलाकात नहीं की कि जो एक इस तरह की गुफ्तगु हो सके भाई ये मामले को आगे कैसे लेके जाया जाए। इम्तियाज साहब आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, हमसे भी कुछ जो साफ़ी मिलते हैं कराची के वो बात करते हैं क्योंकि तो मेरा भी ताल्लुक कराची से है। मेरे ख्याल में जो हुकूमत पाकिस्तान है इस वक्त पीटीआई की हुकूमत, उनकी नज़र में सहाफ़ी वो हैं जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं। इस्लामाबाद में भी मतलब सिलेक्टेड, उसमें भी इस्लामाबाद इस्लामाबाद बेस्ड हैं और सिलेक्टेड हैं ये, मतलब उनको इस तरह से आइसोलेट करना बाकी सूबों के जो सहाफ़ी हैं ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसी तरीके से जब फॉरेन टूर पे जाते हैं तो वहीं से उनको इकट्ठे किया जाता है, इसी तरीके से कोई कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर की वो वहीं करते हैं आमतौर पर, तो सारे लोग जो वहाँ के इकट्ठे होते हैं वहाँ जाते हैं। तो ये मेरा मतलब है जो सिलेक्टिव सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है, तो इसमें तो मेरे ख्याल में आप नहीं समझते कि मीडिया की कमजोरी है, क्योंकि कराची जो है ये माशी हब है पाकिस्तान का, और अगर आप यहाँ से इग्नोर करते हैं, आपने बिल्कुल सही बात की है, वजीर आजम साहब को चाहे वो यहाँ से मुंतखब हुए या नहीं हुए या हुए तो इट इज़ इमटेरियल, प्रेसिडेंट साहब तो यहाँ के हैं, उनको इस वक्त तक तकरीबन तमाम सिंध के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था, बिठाना चाहिए था कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, आओ मैं यहाँ का हूँ, मैं आप लोगों का सदर हूँ पाकिस्तान का, कराची मेरी बेस है, तो कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी वो रोल अदा नहीं किया जो इनको करना चाहिए था एज ए सदर मुमलकत। और देखिए मेरा ये ख्याल है कि अभी जो हमारे कराची के बेस जर्नलिस्ट हैं, पुराने सीनियर साफी आप जैसे लोग हैं, इनको चाहिए कि एक
फोरम तश्कील दें और उसकी अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि हुकूमत को सही सूरत हाल को कम अज़ कम पता चल सके। देखिए ये बटा आपने बिल्कुल सही बात की, और ये बात जब की जाती है ना तो बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब ये आप शायद हम और आप अपने मामले के लिए बात करें। हम कहते हैं मुख्तार भट्ट को शामिल ना करें उसमें, इम्तियाज़ खान फरहान को भी ना करें, बाकी जो दूसरे उनको तो शामिल करें। सबका राय, नवाज शरीफ का दौर आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते थे सिंध में तो उनके साथ इस्लामाबाद और लाहौर के साफियों का लश्कर होता था, जो गवर्नर हाउस के अंदर या कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती थी तो उन्हीं से करते थे। तो उसमें कई मरतबा हम लोगों ने भी एहतजाज किया कि भाई ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया करें आप, लाहौर में या इस्लामाबाद में कर लिया करें, कराची में आके क्यों करते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि वो जब भी आते थे वहां से एक टीम पूरी साथ आती थी, और ये मौजूदा हुकूमत के साथ भी मामला आ रहा है कि या तो कराची में जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट जो पहले रहा है उसमें उस तरह मुलाकातें नहीं होती। ये अच्छा नुकसान रियासतों का ही होता है, खुद हुकूमतों का होता है कि उन्हें रियल फीडबैक नहीं मिलता और ये वहां से लेके चले जाते हैं, वो मखसूस बातें होती हैं जो डेलीगेशन में भी जाते हैं। और आरिफ अलवी साहब वाली जो बात कर रहे हैं ये पूरी तैयारी थी। मैं ये समझता हूँ उस वक्त मैंने तहरीके इंसाफ के कई दोस्तों से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर मुराद अली शाह के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रेसिडेंसी से एक आप वो एक इंफॉर्मेशन आप इशू करवा दें या दोस्तों को हम से बता दें कि सदर मुमलिकत ने कराची में मौजूद बिलावल भुट्टो से वो किया मुलाकात होगी दोनों के दरमियान, उनको इन्वाइट कर देते आप के स्टेट गेस्ट हाउस में आ जाए या कहीं भी आ जाए, गवर्नर हाउस में आ जाए, जो भी है, उससे एक मामला आगे बढ़ता। पता चला तमाम एक्टिविटीज अचानक बस पीआईडी से कहा कि जनाब कैंसिल कर दी गई है, और उस दौरान में एक दो मुतनाजा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हो गई कराची में पीटीआई के लोगों की जानिब से, और सदर जो दो तीन दिन रोज यहाँ पर रहे वो ऐसे ही रहा कि अजीब सी सूरत हाल रही। हम खुद उसमें बहुत परेशान रहे कि यार इतना पैनडेमिक हम चल रहे हैं, इसमें तो हर चीज काम करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, उस वक्त सारा का सारा मामला डिफ्यूज हो जाता। प्राइम मिनिस्टर का जी बिल्कुल आपने सही कहा, साथ ही जमनी सवाल ये मैं जगाऊंगा, आजकल काफी खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि सिंध में जो गवर्नर है उसको तब्दील किया जा रहा है और जनरल पाशा का भी नाम लिया जा रहा है, कुछ और लोगों का भी नाम लिया जा रहा है। क्या सिंध के गवर्नर की तब्दीली से कोई यहाँ पे कोई दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी? क्या पहली बात तो ये है कि जो गवर्नर के सारे इख्तियार थे वो तो सिंध हुकूमत ने थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन वो सारे विड्रा कर लिए हैं, ख़त्म कर लिए हैं, वो चीफ मिनिस्टर के पास आ गए हैं। तो गवर्नर जो है वो एक सेरेमोनियल हेड है, वो क्या कर सकता है चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो? आप क्या इस तब्दीली को कैसे देखते हैं, और अगर तब्दीली होनी चाहिए तो कौन होना चाहिए, कोई फौजी होना चाहिए या कोई हमारा सियासतदान होना चाहिए? ठीक है भट्ट साहब, बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए, हमारे मीडिया पे उस तरह बात नहीं हो रही। शुजा अहमद पाशा साहब का नाम आ रहा है और जुल्फकार मिर्जा का नाम लिया जा रहा है। इन दोनों की अपॉइंटमेंट हुकूमत पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित होगी, मेरी जो सियासी राय है, और उसका 100% नहीं 1000% बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को मिलेगा। और इन दोनों की अपॉइंटमेंट के बाद MQM भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी, अगर नहीं सपोर्ट किया तो कम अज कम इन दोनों गवर्नर्स को सपोर्ट नहीं करेगी MQM, और अगर करेगी तो वो भी क्रेडिबल नहीं रहेगी जो सूरत हाल। शुजा पाशा साहब का ये स्टेटस नहीं है, उन्होंने जो पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान को जो सर्व किया है, उनके लिए ये ओहदा डिजर्व करता ही नहीं। अगर मैं और आप अपने मकसद के लिए उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये पाशा साहब के साथ जो भी ये काम करने जा रहा है या चाहता है वो गलत करेगा, पाशा साहब की शख्सियत को मजरू करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाशा साहब के ऊपर सियासी तौर पर तो कोई जमात इख्तलाफ कर सकती है, लेकिन एज रियासत रियासत के लिए जो उनकी सर्विसेज है उस पे कोई बात नहीं कर सकता कोई। मैं ये मेरी जात का है और साफी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपको पता है हम साफियों में इस तरह की किसी को कंट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल होता है, बड़ा तकलीफ से देना पड़ता है कि बाद में क्रिटिसाइज होना पड़ता है। तो पाशा साहब को खुद रिफ्यूज कर देना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ किक आउट कर देना चाहिए इस तजवीज को। जुल्फिकार मिर्जा साहब एक पॉलिटिकल आदमी है, उनको अगर लाती है तहरीके इंसाफ तो खुद तहरीके इंसाफ मुश्किल में होगी, क्योंकि वो खुद भी कंट्रोवर्शियल है। ये तहरीके इंसाफ के लोगों को नहीं वो करेंगे। देखिए इमरान इस्माइल लॉयल है, आपका भी दोस्त है हमारा भी दोस्त है वो, और जब मेरी फर्स्ट डे से जब तहरीके इंसाफ बनी थी वो इमरान खान के 1000% लॉयल है और वो कुछ भी कर सकता है इमरान इस्माइल, लेकिन कम अज कम तहरीके इंसाफ और इमरान खान से लॉयलिटी उसकी बड़ी शकूक से बालत है। आप इसके बजाय
कोई तब्दीली लाके कोई पॉलिटिकल बेनिफिट किसी को दें, आपको ये चाहिए कि यहाँ पर एक्टिविटी वाया गवर्नर शुरू कर दे या कोई अपना एक बंदा यहाँ पर ले आए। कोई मसला बंदे से बता दिए कि ऐसा नहीं कि कोई सुपरसीड करे किसी को, कि आपको एक कमेटी है, नजीब हारून आपको छोड़ के चले गए, छोड़ा नहीं तो कम से कम साइलेंट होकर चले गए, वो एक अच्छा नाम था और सारी चीजें थी। नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जिनका सिंध की पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ना हो, भले वफाक के हो, वो उनको लाए, उनसे बैठ के बात हुकूमत से शुरू हो जाए, एक आगे चीज चली जाए। अभी इम्तियाज साहब जरा वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, उसके बाद हम थोड़ा वक्फा लेते हैं, फिर दोबारा हाजिर होते हैं। लेट्स हैव ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिंध में गवर्नर की तब्दीली के हवाले से। आपने देखा होगा कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हुए हैं, इसके बारे में मरीज़ों की बेशुमार शिकायत हैं, सोशल मीडिया पे इतने इसके बारे में वायरल हुई हुई हैं क्लिप्स के, वो कंडीशन देखकर रोना आता है। जबकि क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बिल्कुल नीट क्लीन विद ऑल दी फैसिलिटीज़। अब कराची में देखें एक्सपो सेंटर की, आपने देखा होगा फिल्म वायरल हुई है, मुझे तो वाकई वो देख के रोना आता है, इसलिए कि वहाँ पे अगर उन्होंने 1000 बेड्स बनाए हैं मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पे जो बाथरूम है वो तो आपको पता है 6-7 से ज़्यादा है ही नहीं। तो मतलब ये है कि, और वो भी देखा होगा वहाँ पे जो पानी सप्लाई हो रहा है वो गंदा पानी है, वो सामने दिखाया गया उनको, गंद पड़ा हुआ है उसके अंदर। तो मतलब ये है कि इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, क्या वजह है कि ये जो सफाई का मतलब सिलसिला है और दवाइयों का सिलसिला है, पेशेंट्स की वेलफेयर का मामला है, पेशेंट्स को दवाइयां देने का है, ये मतलब क्यों हल नहीं हो रहा? और दूसरा जो सबसे अहम सवाल ये है कि ये भी एक माल पानी का धंधा बनाने का एक रास्ता बना लिया है लोगों ने, इसलिए कि जो आदमी आम बीमार होते हैं वो भी चल तुझे भी कोरोना है, चल तुझे भी कोरोना है, कहीं से बाहर से टेस्ट कराओ रिजल्ट नेगेटिव, कहीं से टेस्ट कराओ पॉजिटिव, कहीं से कराओ नेगेटिव, या वो बंदा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पैसे दे के नेगेटिव भी हो सकता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये जो तबाही फैली हुई है? देखिए भट्ट साहब, इसको मैं जाती तौर पे मैंने देखा और हमारे रिपोर्टर्स को लगाया, उसके बाद मैं खुद भी जाता हूँ। ये एक्सपो सेंटर मैं कई एक विजिट कर चुका हूँ, एक जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, मेरे एक डॉक्टर हैं मेरे दोस्त हैं उनके साथ, दो डॉक्टर्स हैं मेरे दोस्त हैं उनके साथ में ऐसे गया हूँ वो जो करके। और मैंने देखिए ये शिकायतें बहुत सारी जाली किस्म की शिकायत कि जनाब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वो जो एक्सपो सेंटर की आप बात करें, वो ये कराची एक्सपो सेंटर नहीं है, उसकी यहाँ की नहीं, इससे अदर देन कराची एक्सपो सेंटर वो ये सारी चीज़ें जो वायरल हुई हैं और उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, एक बच्चा था हमारे अपने ऑफिस का, वो 18 से 20 दिन यहाँ पर रहा है इस एक्सपो सेंटर में, अभी 2 दिन पहले माशाल्लाह से नेगेटिव होके रिलीज होके घर गया है वो, और उसने सिर्फ एक शिकायत की, हम जब उसे फोन पे भी रबते में होते थे, वो एक शिकायत करता था आइसोलेशन वाली कि ना मुझे कोई पूछता नहीं है, मिलता नहीं है। तो ये बात हमने डॉक्टर्स को की, मैं उस वक्त वहाँ एक्सपो सेंटर गया, वहाँ ऐसी गपशप कर रहा था उनका, उन्होंने कहा कि यार देखिए कुछ भी सही थ्रेट है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको हम तमाम किट्स पहने हुए हैं, जो स्टाफ यहाँ पे लुकआफ्टर करता है, लेकिन फिर भी एहतियात करते हैं, तो हमें मिजाज बनाना चाहिए खुदा न खास्ता अगर किसी को कोरोना हुआ है, कि इस आइसोलेशन का मतलब आइसोलेशन है कि तुमने खुद देखे तमाम जो सोशल मीडिया की चीजें हैं, जो उसके टेलीफोन है, जो मोबाइल सेल है, सब चीजें अवेलेबल है वहां पर, और बिजली आपकी चल रही है सारी, वो ये कहते हैं कि जनाब उनको हर 3 घंटे बाद आके डॉक्टर देखे सारी वो करे, जबकि कोई इलाज ही नहीं है इसका। और हम उसको जहनी तौर पर, अब जो नफ्सियाती सेंटर बनाए जा रहे हैं उससे शायद ज्यादा फर्क पड़े। हमने एक तजवीज़ ये दी थी कि स्क्रीन लगा दिए जाए यहाँ पर, स्क्रीन में मुख्तलिफ ड्रामे और मुख्तलिफ या जो टेलीविजन टीवी सेट्स हैं वो लगाया जाए, जहाँ पर ड्रामों के साथ साथ जो मजाहिया ड्रामे हैं कुछ चीज़ों के साथ साथ उनका मेंटल, उसको भी आप वो करें कि जनाब ऐसा ना करें, एक्सरसाइज करें, उनकी इन्वॉल्वमेंट शुरू करें, वो समझे कि हम दुनिया से मिले हुए हैं। वरना तो जब ज़ाहिर है मैं और आप घर में बैठे हैं तो इरीटेट कर जाते हैं, घर में बैठ के तमाम एक्टिविटीज इरीटेट करते हैं। तो शिकायतें हैं लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। जैसे जिला अस्पताल की एक वीडियो वायरल हुई थी और उसके ऊपर हमने भी उसको चेक किया था, सीमी से भी बात हुई थी, सीमी जमाली साहिबा से भी,
और फिर नासिरशाह विजिट भी किया था, पर हमने अपने रिपोर्ट से एक रिपोर्ट भी बनवाई थी, तो वो उस तरह नहीं थी जैसे कि वीडियो के अंदर बयान की गई थी, वहाँ इम्तियाज बॉडी भी थी। साहब, इम्तियाज साहब, मेरी बात सुने हजूर। पाकिस्तान के जो जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी कंडीशन बड़ी पैथेटिक है। आप इस बात को तस्लीम करें या ना करें वो एक अलग इशू है, लेकिन जो ट्रीटमेंट उनको मिलता है, जिस तरह से लोग वहाँ पे जाके जलील होते हैं, जिस तरह से वो मतलब उनको ट्रीट किया जाता है, वो मतलब एक इतनी तजलील होती है उसकी, उसको दवाई तो मिलती नहीं है। पहले तो वो सवाल जवाब में सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हुकूमत को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद भी कहा है कि जो फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स की वो पूरी नहीं है और उसके ऊपर काम होगा, क्योंकि 70 साल में अगर अस्पतालों की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई तो ये 15, 16, 18 महीने में तो इम्प्रूव नहीं हो सकती। ये कंटिन्यूस अमल है। इसी तरीके से आपने देखा होगा वेंटिलेटर्स के बारे में शिकायत थी लोगों को, लेकिन ये जो जाली रिज़ल्ट आ रहे हैं, कहीं आपने देखा हर जगह रिपोर्ट हो रहे हैं, इनको कैसे रोकना है आपने? क्योंकि एक आदमी मरीज नहीं है कोरोना का, वो कह रहा है भाई ये मैं लिवर की मेरी बीमारी पुरानी 15-30 साल की है, वो मर जाता है, उसको उठाने नहीं देते, पैसे मांगते हैं, तो ये सिलसिला कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप? देखिए ये बट साहब शिकायतें आई थी, एक वीडियो यहाँ पर भी, एक और सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी कि किसी बच्चे बंदा है, उसकी वालदा को उसकी वजह से कोरोना हुआ, वालदा का इंतकाल हुआ उसके साथ। इब्तदाई दिनों में इस तरह की बहुत सारी शिकायत थी। डॉक्टर कादिर साहब का जो आपको याद होगा गुलशन हदीद वाले, जब उनका इसमें इंतकाल हुआ, फिर डॉक्टर फुरकान वाला, ये शिकायतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इब्तदाई दिनों में ये बहुत सारी शिकायत थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो ये कोरोना आइसोलेशन, ये जो अलहदा खासतौर पर इकदाम किए गए, ये मॉनिटर हो रहे हैं, हर तरफ से हो रहे हैं सारी। अब जैसे एक्सपो सेंटर है वहाँ पर हमारे फोर्सेज के लोग भी मौजूद होते हैं, और दूसरी जगह उसकी वजह से और एक सारी अच्छी वो आती है कि जब भाई लुक आफ्टर हो रहा है। शिकायत बिल्कुल है, अब हमें या तो वन पॉइंट एजेंडे पे चला जाना चाहिए, पूरी कौम को एक डिमांड करना चाहिए, यहाँ की इंटेलिजेंसिया को भी, हमारे तमाम थिंक टैंक्स के भी, कि जनाब दो सेक्टर हैं, हेल्थ और एजुकेशन, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई रोड नहीं चाहिए, थोड़ा टूटा फूटा रोड दे देंगे आप, लेकिन इन दो चीजों को आप हमें 5 साल तक जीरो टॉलरेंस पे चले जाए, सारी डेवलपमेंट हो जाएगी, सारी चीजें काम हो जाएंगे, खुद ब खुद हो जाएंगे सारे काम, पढ़े लिखे बच्चे होंगे, क्वेश्चन करेंगे डेवलपमेंट। बड़ी अच्छी आपने बात की है, और इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट टाइम अभी हमारा थोड़ा कम रह गया है, अभी देखें हाल ही में पार्लियामेंट का सेशन हुआ है, उम्मीद ये थी कि एक कौमी जो वबा फैली हुई है सब जगह पे, ये वायरस की कौमी सतह के ऊपर, इसके बारे में कोई मुतफ़िक़ा लायमल आएगा, इसके हवाले से कोई अच्छी तजावीज़ आएंगी, वही अल्ज़ाम तराशी गवर्नमेंट की उनके ऊपर और उनकी उनके ऊपर। और शाह महमूद साहब, मैं तो अभी पहुंच आ रहा हूँ, सिंध में आ रहा हूँ, पर सिंध में तो आप आते हैं, आप तो वहाँ से मुंतखब होते हैं, आने का मतलब इस किस्म की मतलब थ्रेट्स करना, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह से निज़ाम चलता है? हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर हम इसी तरीके से कन्फ्रंटेशन करते रहेंगे तो फिर तो ये अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे इस मुल्क का, क्योंकि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते कौमी इश्यूज पर, तो मामला जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं, और फिर दुश्मनों को मौका मिलता है कि आपके खिलाफ बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें ना सिर्फ दो पहिए होते हैं हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के, जमहूरी गाड़ी के, बल्कि स्टेयरिंग हुकूमत के पास होता है, हुकूमत को बहुत सारी टॉलरेंस करनी पड़ती है। आपको देखा होगा, नवाज शरीफ के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में बात करूंगा। पाकिस्तान का वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर था, हर सेशन में मौजूद होता था, क्वेश्चन आर में भी हिस्सा पार्टिसिपेट करते थे और कई चीजों को रिस्पॉन्ड भी करते थे, लेकिन ये नवाज शरीफ दौर में और मौजूदा दौर में इसका दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर लेस उस वक्त भी होता था, अभी भी प्राइम मिनिस्टर लेस। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि मैं जब आता हूँ तो हुल्लड़बाजी होती है, बात होती है, करने नहीं देते, इसलिए वो नहीं आते, वो क्या करेंगे आगे वहां पर? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए जो हुल्लड़बाजी करते हैं। आप आए, जब कोई हुल्लड़ कर रहा आराम से बैठ जाए, बात नहीं करें, अपने जो अरीब करीब को देखें। इस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब का सिंध में स्टेक है, वो जीत नहीं पा रहे, कई इलेक्शन लड़े उन्होंने, यहाँ से जीत नहीं पा रहे, उनके साथ प्रॉब्लम है। और उन्होंने देखे, जो हुकूमत होती है ना उसको बड़ा टॉलरेंस पे जाना पड़ता है, जीरो टॉलरेंस अपना रखते हैं कि भाई ठीक है बोले, कितना बोलेंगे, लोगों में खुद एक्सपोज हो जाएंगे।
अब इस तरह के जवाब देना, इस तरह की बात करना, और फिर वो दायरे के लिए आप उसी पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हो, आप अभी यहाँ पर बैठ के, तो आपके रिकॉर्ड पर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिसमें आपने पीपल्स पार्टी को इन्हीं आसिफ जरदारी साहब को पता नहीं कहां से कहा आपने अपनी तकरीर के अंदर पहुंचाया था। आपको टॉलरेट करना पड़ता है ताकि मामला आगे बढ़े और सारी चीजें निकल के आए। इस तरह की बयानबाजी बाहर कर ले आप पार्लियामेंट के अंदर, आप तो खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जनाब सजेशन दें अपोजिशन पे, सजेशन दें। मेरा आखिरी सवाल आपसे और एक तजवीज है पर साहब, एक तजवीज है इमरान खान साहब से कि सिंध के हवाले से हर उसको जिम्मेदारी दे दें जिसका सिंध की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ना हो। देखिए करेंगे आगे शाम पैदा करेंगे, हलीम आदिल शेख खराबी पैदा करेंगे, खुर्रम शेख जमान खराबी पैदा करेगा, जुल्फकार मिर्जा खराबी पैदा, उनको ले आए जिनका सिंध की पॉलिटिक्स, भले पीटीआई के हो, बिल्कुल 100% पीटीआई के हो, लेकिन सिंध की पॉलिटिक्स से उनका इस तरह का ताल्लुक ना हो, देखें आप बेहतरी होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मेरा आपसे आखिरी सवाल है ये कि ये जो 18वीं तरमीम का हर वक्त शोशा छोड़ा जाता है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि ये 2010 में काफ़ी इसके ऊपर बहस बपासा हुआ और फिर ये जाकर पास हुई थी, तो आप क्या समझते हैं कि एक ऐसे मौके पे जबकि मुल्क एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इकोनॉमिक डिज़ास्टर है, अपोजिशन और हुकूमत आपस में मिलकर नहीं बैठ रहे, सिंध में और मरकज़ के अंदर महाजराई का सिलसिला जारी है, ऐसे मौके के ऊपर कंट्रोवर्सीज नहीं पैदा करना वो मुल्क के लिए मुफाद में है, बेहतर है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल मफाद में नहीं है इसको ये कंट्रोवर्सी। हाँ 18वीं तरमीम के जो मुतनाज़ा पॉइंट्स हैं उनके ऊपर पहले डिबेट होनी चाहिए, थिंक टैंक्स के अंदर डिबेट करवाएं और पार्लियामेंटेरियंस के अंदर सीनियर पार्लियामेंटर से भले वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ना हो उन पर डिबेट कराएं, उसके अंदर कंसेंसस लेकर आए। इस वक्त 18वीं तरमीम के लिए इस्टेब्लिश ये हो गया है कि मुस्लिम लीग नून ऑन बोर्ड है, नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली को या मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनको नेप के केसेस पे रिलीफ दिलाने के लिए, इसलिए नून ऑन बोर्ड आ गई, ये इंप्रेशन है पूरे इस वक्त हर जगह यही बात हो रही है। तो मुस्लिम लीग नून अपनी कंडीशन पर 18वीं तरमीम के ऊपर सपोर्ट करेगी और 18वीं तरमीम में तरमीम करवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ये एक इंप्रेशन आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा एक्टिव है। वो ये चाहती है कि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से बाज़ इख्तियारात जो सूबों को मिले हैं वो मरकज़ के पास होना चाहिए, ख़ास तौर पर 8वीं तरमीम जैसी कोई तरमीम इन होनी चाहिए ताकि एक वफाक की सुपरमेसी रहे, ये इंप्रेशन इस्टेब्लिश हो गया है। अगर 18वीं तरमीम इस तरह के मुतनाज़ा नुकात के साथ एक्सेप्ट हो भी गई तो नया पेंडोरा बक्स ज़रूर खुलेगा छोटे सूबों में, छोटे सूबों में, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा भी खामोश है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जितनी ग्रिप है वो आपको भी पता है, भले भले लास्ट टाइम वो उसमें रहे हो, 18वीं तरमीम को पॉजिटिवली डिबेट करके उनमें जो मुतनाज़ा जो नुकात हैं उनमें लाजमी तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम में सारे पॉइंट्स नहीं, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको भी मुझे भी एतराज़ है, उसमें उसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए और 18वीं तरमीम में जो मुतनाज़ा उमूर है जहाँ सूबाई खुद मुख्तारी हद से ज़्यादा है उसको भी कंट्रोल होना चाहिए जहाँ पर। जी इम्तियाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और आपने खुलकर बातों का इजहार किया, जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं इम्तियाज़ साहब फरहान ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल दिल को लगनी चाहिए सबके। उन्होंने कहा है कि एक पहली बात तो यह है कि सेंटर और मरकज़ में कोई डिफरेंस नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान मैं तो ये कहता हूँ जो आपको हमें सुन रहे हैं उनको ये तबलीग भी करनी चाहिए, तमाम इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान बस पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद होना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से आप नेगेटिव जीरो टॉलरेंस आ जाए बाकी सोच आ करें। बिल्कुल आपने जो इन्होंने जो बात की है वो बड़ी अच्छी की है कि महाजराई जो है वो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, इससे कौम को तो नुकसान हो सकता है, किसी सियासी जमात को वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो सकता है लेकिन ओवरऑल इसका जो इम्पेक्ट है वो मुल्क पे पड़ता है। 18वीं तरमीम के हवाले से जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन है जिसके बारे में आप अक्सर अखबारों में खबरें पढ़ते रहते हैं, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि वो ठीक है उसमें ऐसी इशूज़ हैं जिससे कि मरकज़ नज़र आता है कि वो हेल्पलेस हो जाता है, तो बैठ कर इस मसले को हल करना चाहिए क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता ना होना चाहिए
کہ مرکز جو ہے اس کی امپورٹنس کو کسی بھی لحاظ سے کم ہو، اس کی امپورٹنس کم نہیں ہونی چاہیے. اٹ ریمینس ایز اے سپریم پروونسز جو ہیں وہ اس کا آف شوٹس ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں وہ اکراس دی ٹیبل بیٹھ کر ان کو حل کریں، اور یہی اس کا سب سے بہترین حل ہے. آپ ورلڈ وار ون لے لیں، ورلڈ وار ٹو لے لیں، جتنی جنگیں، افغانستان کی جنگ لے لیں آپ، اور دوسری جنگیں لے لیں، کھربوں روپیہ ضائع کیا امریکہ نے، الٹیمیٹلی طالبان سے بات کی، طالبان سے بات کی، کسی طریقے سے جاپان نے بھی بیٹھ کے بات کی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پبلک کو مار کے لاکھوں آدمیوں کا خون بہا کر پھر میز پہ بیٹھنا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ شروع میں میز پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے تمام اختلافات طے کریں. دوسرا، انہوں نے کہا ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی زیادہ تر ذمہ داری اب جو ہے گورنمنٹ نے کنسیشن دی ہے عوام کو، اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے، کس طرح سے ایس او پیز پر عمل کرتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو وبا ہے یہ ختم ہوگی. گورنمنٹ نے جو ایک قدم اٹھایا ہے لاک ڈاؤن کا، نرمی برتی ہے، ہمیں اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. عوام کو بھرپور حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، چاہے وہ مرکز کی حکومت ہے یا صوبوں کی حکومت ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں عوام کی خدمت کر رہے ہیں، غریبوں کو راشن پہنچا رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں وہ ان کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے پیسہ. وہ اگر شوکت خانم کے لیے مانگتے ہیں تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے آل ٹوگیدر، وہ قوم کے لیے مانگتے ہیں، قوم کی بہتری کے لیے مانگ رہے ہیں. تو ہمیں مطلب یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید کو اوائڈ کرنا چاہیے، اپنا خیال رکھیں. اور رمضان کا مہینہ ہے، جو آپ کو ہمت ہے، قوت دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، آپ غریبوں کی مدد کریں، اپنا بھی خیال رکھیں اور ان کا بھی خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.